कैसे करोगे, वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर नहीं आता तो फिर ये सलूशन देखो और देखो कहाँ गलती किए थे, कमी कहाँ रह गई थी, ठीक है। तो तुम्हें बहुत बेहतर मजा से समझ में आएगी, क्योंकि तुम्हारा तैयारी होना चाहिए ना, प्रिपरेशन होना चाहिए, और उस क्वेश्चन से सीखो, करके देखो। सब देखो, एक सिलेंड्रिकल मेटालिक रॉड है, थर्मल कॉन्टैक्ट विद द टू हीट रिजर्वर, दो सोर्स है हीट के, उनके बीच में एक रॉड ले जाके रख दिया हूँ। चलो रख ही देते हैं, एक रॉड है दो हीट के सोर्स के बीच में रख दिया गया। हीट का सोर्स ये टेम्परेचर थीटा वन है, ये टेम्परेचर थीटा टू है। मान लिया मैं थीटा वन ग्रेटर है, हीट इधर से इधर जा रही है, टी टाइम में क्यू हीट गई है, ये ऐसा बता रहा है। इसकी लेंथ ले लो, इसकी लेंथ एल है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया, पहले केस में क्यू टाइम में टी हीट ट्रांसफर हुआ। इफ द रॉड इज मेल्टेड, ये इस रॉड को मैंने, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था रॉड, तो मैंने इसको मेल्ट किया, नया रॉड बनाया, ठीक है। तो मैंने नया रॉड बनाया, उस नए रॉड में क्या खासियत थी, फॉर्म इनटू ए रॉड ऑफ हाफ ऑफ रेडियस ऑफ द ओरिजिनल, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड बाय द न्यू रॉड इन टू इन टाइम टी। अगर टी टाइम है तो हीट कितना कंडक्ट करेगा नया वाला रॉड, तो टी टाइम में हीट कंडक्ट का फार्मूला क्या है, स्टडी स्टेट में आप पढ़े होंगे, तो क्यू बाई टू थर्मल कंडक्टिविटी एरिया क्रॉस सेक्शन टेम्परेचर डिफरेंस थीटा वन माइनस थीटा टू लेंथ ऑफ द रॉड, दिस इज द वेरी गुड इक्वेशन। तो क्यू टाइम में जो हीट ट्रांसफर है वो ये है, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके लिए इसका लेंथ एल है, इसकी रेडियस आर ले लो। जो नया रॉड बना वो कह रहा है कि मैंने, ये मुझे रॉड अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने इसको मेल्ट कर दिया, ठीक है, इसको मैंने मेल्ट कर दिया। मेल्ट करने के बाद जो मैं नया रॉड बनाया, मुझे पतला रॉड चाहिए था, तो जिसकी रेडियस आर बाई टू है। लेंथ कितना है, अब हमको पता ही नहीं है कि लेंथ कितना बना है, ठीक है, एल डेस। लेकिन इसको मैंने उसी हीट सोर्स के बीच रखा, हीट सोर्स थीटा वन और थीटा टू के बीच, तो ये हीट कंडक्ट कर रहा होगा मान लो क्यू डैश, और टाइम वही टाइम पुराना वाला टी है ना। चलो, तो यहां जो हीट कंडक्ट, अब मैं इस इक्वेशन को यहां लगाऊंगा तो ये मुझे मिलेगा क्यू डैश टी थर्मल कंडक्टिविटी ए एरिया ए डैश थीटा वन माइनस थीटा टू और लेंथ एल डैश, दिस इज द इक्वेशन नंबर टू, ठीक है, क्यू डैश टी टाइम में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बाकी सारे कांस्टेंट है, तो क्यू जो है एरिया और लेंथ के, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया इस केस में कितना था, एरिया इस केस में पाई आर स्क्वायर था, इस केस में एरिया ए डैश हो गया पाई आर डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका मतलब ये हुआ कि पाई आर स्क्वायर बाई फोर हो गया, एरिया ए बाई फोर आ गया, है ना। चलो, तो इसका मतलब ये हुआ कि एल डैश की जो वैल्यू आ जाएगी, एल डैश एल डैश। अब देखो भाई यार, मेरे पास 2 केजी का रॉड था, अब मैंने उसको मेल्ट किया तो 4 केजी थोड़ी हो जाएगा, 2 केजी सोना था उसको मेल्ट कर दोगे तो 4 केजी सोना थोड़ी हो जाएगा, मास सेम रहेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा, ठीक है। तो मास मास m1 बराबर है m2, मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, डेंसिटी मटेरियल का चेंज ही नहीं होगा तो वॉल्यूम भी सेम रहेगा, वॉल्यूम v1 अपॉन v2। तो वॉल्यूम a डैश एक्चुअल ए डैश एल डैश इसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाई ओरिजिनल ए एल, मतलब ए जो ए डैश है वो ए बाई फोर है, दैट इज एल डैश इज इक्वल टू ए एल, और एल ने ए ने ए को, ठीक है। तो एल डैश इज इक्वल टू 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 फोर टाइम्स एल, बड़ा लंबा रॉड आ गया, ठीक है। अगर आप रेडियस छोटा करोगे तो एल डैश जो है उसका 4 गुना हो जाएगा, ये 1 किलोमीटर का था तो 4 किलोमीटर का रॉड हो जाएगा। अब यहां से ये बात पता चल गया, तो अब Q डैश की वैल्यू निकालो, तो Q डैश जो है यहां से देख रहे हो Q इज प्रोपोर्शनल टू A अपॉन L, A अपॉन L, इसका मतलब ये हुआ कि Q डैश अपॉन Q दैट इज Q डैश अपॉन Q दैट इज A डैश अपॉन A और मल्टीप्लाइड बाय L अपॉन L डैश, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये A बाई फोर, ठीक है, और A एंड डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाई एल और एल डैश फोर एल, तो एल ने एल को ए ने ए को, ठीक है। तो क्यू डैश की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, क्यू इज इक्वल टू क्यू बाई 16, दिस इज द ब्यूटीफुल सोल्यूशन। ये एक अच्छा सा सोल्यूशन है कि वह है कोई, हाँ बी ऑप्शन सही है हम लोगों का, ठीक ना, ये हमारे पास सही सोल्यूशन है, ठीक है। देखो,